let's say you are a commerce student. You can be in class 11, 12, 12 pass out of college, first, second, third, final year doing some commerce degree. This video is for you because today we are going to discuss the various career options in commerce. So hi everyone, this is Ayushi. I've done my BSc MSc degree from Delhi University. Currently I'm working as a statistical programmer. इस वीडियो में हम 13 करियर ऑप्शंस डिस्कस करने वाले, पावर पैक्ड वीडियो होने वाली है, सो एक लाइक तो बनता है। हम देखेंगे कुछ अननोन करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्या करियर पाथ है, वहां जाने के लिए क्या कोर्सेज करने पड़ेंगे एंड वहां पर फाइनली पहुंचकर क्या जॉब्स मिलती है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज टू गो इनटू मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। इसके लिए आपको क्लास 12 के बाद यूजी डिग्री करनी होगी। देयर आर 4 यूजी डिग्रीज अवेलेबल। फर्स्ट इज बीएमएस, Bachelor's of Management Studies. Second is BBE, BA Honours in Business Economics. Third is BBA FIA, Bachelor's of Business Administration in Financial Investment Analysis. And fourth is BBA, that is Bachelor's of Business Administration. To get admission in BMS, BBE and BBA FIA, you can simply give the CUET entrance test. And for BBA, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एंट्रेंस होते हैं। आफ्टर दिस यूजी डिग्री यू कैन आइदर गो फॉर सम कॉर्पोरेट जॉब एंड वर्क एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, और यू कैन गो फॉर सम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिसमें सबसे कॉमन और पॉपुलर डिग्री है MBA की। उसको हम डिफरेंट स्ट्रीम्स में कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप। द सेकंड करियर ऑप्शन इज दैट यू कैन गो इनटू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके लिए क्लास 12 के बाद आपको यूजी डिग्री करनी होती है बाय द नेम BA Honours in Economics. ये 3 से 4 साल की यूजी डिग्री होती है, इसके लिए एक एंट्रेंस देना होगा एडमिशन के लिए, विच इज गोइंग टू बी CUET. एंड आफ्टर द यूजी डिग्री यू कैन आइदर गो फॉर सम कॉर्पोरेट जॉब और यू कैन गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री, जिसके लिए पॉपुलर ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्टली MA इकोनॉमिक्स डिग्री, जिसको आप एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कर सकते हो। एंड सेकंड वी हैव इज MBA, जिसके लिए बहुत पॉपुलर एंट्रेंस टेस्ट है बाय द नेम ऑफ CAT. यहाँ पर पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स हैं मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ऑडिटर, बिजनेस एनालिस्ट एक्सेट्रा। द थर्ड करियर ऑप्शन जो आपने सुना ही होगा, दैट इज टू गो फॉर BCom एंड BCom ऑनर्स। ये कुछ 3 से 4 साल की यूजी डिग्रीज हैं जो आप क्लास 12 की बात करते हो। BCom स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स पास कोर्स है एंड BCom ऑनर्स एक स्पेशलाइजेशन कोर्स। अब ये दोनों कोर्सेज एकदम पॉपुलर और कॉमन चॉइस रहती है सारे स्टूडेंट्स के लिए। ऑलमोस्ट हर बच्चा जो भी कॉमर्स का होता है वो BCom या BCom ऑनर्स की डिग्री तो कर ही रहा होता है। इट्स लाइक गेटिंग एंट्री इनटू कॉमर्स। इसको हम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं। पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है CUET एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटी इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। Further, you can go into teaching, research, become an assistant professor, go for a master's degree, popular degrees are MCom, MBA, etc. Or you can go for a corporate job in profiles like investment banker, management consultant, financial analyst or an auditor. The fourth career option is that you can go into teaching and research. Iske liye first class 12 ke baad aap koi bhi UG degree kar sakte ho, BCom, BCom honors, BBA, etc. And uske baad to become a school teacher, you have the various options. Firstly, do your UG degree, then do a BA degree and then clear some exams or look for vacancies to become a teacher in a government school or a private school. Second path is that you can directly do the BLED course after your class 12 to become a school teacher, जिसके लिए आपको CUET का ही entrance test देना होगा. To become an assistant professor in college or go into research, you can follow the path, go for some UG degree, do your PG degree, maybe MCom, MBA, MA Economics Honors, etc. Clear UGC NET exam and then go for a PhD degree. Now guys, अब ये जो degrees हैं, इनको हम online भी कर सकते हैं. Now I am talking about an online BCom or online BBA degree. मैं कोई part-time course, diploma course या कोई distance learning course की बात नहीं कर रही हूँ, एक full-time UG या PG degree की बात कर। हम करेंगे एक online mode भी। UGC ने चीज बोली है कि अगर आप किसी particular university से offline degree करते हो या फिर online degree करते हो, दोनों की same ही value। If you are skeptical about doing a regular degree, हो सकता है आपके पास कुछ और हो करने के लिए, आप रोज कॉलेज नहीं जाना चाहते हो, in that case you can opt for an online degree. कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, कहाँ ढूंढे हम ऑनलाइन डिग्री के बारे में, like to let you know about this one website which is College with them. आपको सिंपली लिस्ट मिल जाएगी 100+ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज की ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वो मेहनत करी हुई है। Also, they have a AI powered tool which will suggest you the best course university college for you. In just 2 minutes. Click on suggest me a university option and list your requirements. कौन सी डिग्री करनी है, कौन सा कोर्स करना है, वर्किंग हो, कितना टाइम दे सकते हो, बजट क्या है. And on the basis of all these, they will recommend you the best program for you. Now you will get a list of all those universities that fit your requirement. There will be multiple universities, so you can basically select 2 to 3 universities or any number of universities amongst these, and then you can compare between those universities on basis of multiple factors like approvals, fees, placement partners, duration, placement assistance, etc. And yes, if you finally like any course, you will be directed towards the landing page of that university and you can pay your fees through the EMI options available here.
यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद द एक्सपर्ट्स हियर एंड वो आपको फ्री में ऑडियो और वीडियो के थ्रू काउंसिल करेंगे एंड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे. गिवन द लिंक टू दिस वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई वुड सजेस्ट दैट डू चेक इट आउट. फिफ्थ करियर ऑप्शन इज टू गो फॉर सम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज. इसके लिए क्लास 12 के बाद आपको भी यूजी डिग्री में एनरोल करते हो. अब यूजी डिग्री करते टाइम साथ में आप कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो. फर्स्ट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. ICAI इसको कराते हैं. 5 years का कोर्स होता है टू गो इन टू प्रोफाइल्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टैक्स ऑडिटिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस. सेकंड इज कंपनी सेक्रेटरी. ICSS को कराते हैं. 3 years का प्रोग्राम होता है टू बिकम अ लीगल एडवाइजर और कंप्लायंस ऑफिसर. थर्ड इज CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. या आप यूजी के सेकंड ईयर के बाद इसको कर सकते हो एंड ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए पूरा दरवाजा है. You can also go into actuarial science. इसके बाद you become an actuary. ये लोग companies में risk को manage करते हैं. इसके लिए math strong होना is very very important. आपको कुछ exams clear करने होते हैं बस. इसके बाद jobs मिलती हैं investment consultant की या फिर insurance domain में. Next is you can go into data science and analytics. ये field काफी job oriented, high paying, rewarding और boom पर है. Here you can work as a data analyst, business analyst, data engineer, ML engineer और data scientist. अब directly commerce की इसकी कोई degree नहीं होती है लेकिन आपके पास commerce करने के बाद भी इसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं. बस 3 चीज़ों पे focus करना है. Mathematics, programming और statistics. So कोई भी UG degree करो और साथ साथ में कुछ relevant courses करो अपनी skills को improve करने के लिए या skills gain करने के लिए into things like Python, Excel, Tableau, SQL, etc. Then you can either sit for placements or go for a master's degree abroad. The next is to go into a corporate job right after doing your UG degree. कई सारी companies हैं, specifically Big Four जो है, Deloitte, KPMG, EY, PwC, ये लोग regularly commerce graduates को hire करते हैं. So आप on campus, off campus placement ले सकते हो in profiles like auditing, taxation, finance, consulting. Job करे experience लिया, then go for master. The 8th current option is to go into computing. Class 12 करने के बाद आप UG degree कर सकते हो. 2 degrees हैं. Firstly BCA, Bachelor's of Computer Application. And second is BSc Mathematics Honors. इसके लिए आप CUET या IP University का entrance दे सकते हो. Further you can go for a master's degree like MCA or MSc Mathematics for which you can give entrances like CUET, IIT JAM, NIMSET, etc. And after this you can work in big MNCs, corporates, proper corporate jobs as a software developer, a programmer, data analyst, business analyst, etc. The next option is to go for law. अगर आपको legal में जाना है या फिर lawyer बनना है, in that case you can consider this. इसके लिए 2 options है. Firstly class 12 के बाद आप एक UG degree करो, एक integrated program करो 5 साल का which is BCom LLB. यानी कि बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और बैचलर्स ऑफ लॉ मिलाकर. फॉर दिस यू कैन गिव क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एंड गेट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटी लाइक NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. एंड सेकंड पार्ट इज कोई भी यूजी डिग्री करने के बाद आप 3 साल का लॉ का डिग्री कोर्स कर लो. यू कैन वर्क एज अ लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर और लीगल एडवाइजर है. द 10th करियर ऑप्शन इज टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. इसके लिए आपको क्लास 12 के बाद या फिर अपनी कोई भी बैचलर्स डिग्री करने के बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं. फर्स्ट इज सिविल सर्विसेज का UPSC का टेस्ट होता है टू गो इनटू प्रोफाइल्स लाइक IAS, IPS, IFS. देन फॉर बैंकिंग वी हैव SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड B टू बिकम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर. टू गेट सम एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क जॉब यू कैन गो फॉर SSC CGL का एग्जाम एंड रेलवेज में भी आप जा सकते हो बाय गिविंग RRB का एग्जाम. द नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज दैट यू कैन डू मल्टीपल कोर्सेज फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया में रहकर या फिर इंडिया से बाहर जाकर भी आफ्टर डूइंग योर UG डिग्री. ये ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनसे अफिलिएटेड मतलब कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हो. 12th करियर ऑप्शन इज एंटरप्रेन्योरशिप. यू कैन डू दिस इन स्कूल, इन कॉलेज और आफ्टर कॉलेज. बेस्ट टाइम होता है इन कॉलेज एंड इसके लिए यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट. यू कैन आइदर गो फॉर सम स्मॉल बिजनेस इन द बिगिनिंग एंड देन यू कैन स्केल इट अप और डायरेक्टली एक स्टार्टअप भी कर सकते हो. यू कैन परस्यू दिस साइड बाय साइड अलॉन्ग विद योर UG और PG डिग्री. नहीं तो इसके लिए स्पेसिफिक डिग्रीज भी आ गए हैं इस चीज को परस्यू करने के लिए जिसके बारे में यू नीड टू सर्च. द फाइनल करियर ऑप्शन इज टू गो इनटू आर्ट्स और लैंग्वेज कोर्सेज. आर्ट्स के केस में आप कुछ डिग्रीज कर सकते हो जैसे कि 12th के बाद आपको UG डिग्रीज करनी होंगी. BVOC बैचलर्स डिग्री है वोकेशनल कोर्सेज में. यू कैन ऑल्सो गो फॉर बी ऑनर्स इन साइकोलॉजी. यू कैन बिकम अ थेरेपिस्ट, इन टू हेल्थ केयर कंसल्टेंट और समथिंग लाइक दैट. यू कैन ऑल्सो गो फॉर BA ऑनर्स इंग्लिश एंड यू कैन गो फॉर BA प्रोग्राम डिग्री टू. आफ्टर 12th यू कैन गो फॉर लैंग्वेज कोर्सेज लाइक BA ऑनर्स इन जर्मन, स्पैनिश, उर्दू, हिंदी और समथिंग. Both foreign languages and Indian languages too. And for this, you can consider some full-time or part-time courses from top universities like Delhi University, JNU. To get admission, you need to give CVT ka entrance test. Now, making a career in languages is in trend right now. You can go for some embassy jobs or you can look for some opportunities abroad too. So yes guys, this was all about the various career options after class 12th or doing your bachelor's degree, doing your master's degree. I hope that you really like this video. If you did like the video, please do hit the like button to subscribe to the channel for more such videos. And if you have any questions, you can just follow me on Instagram at this particular handle. You can connect with me over there.
And yeah, I'll see you in my next video. Till then, keep watching other videos and bye-bye.